इंडिया एक खेती प्रधान देश है ते भारत विच ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं। अपने विचों काफी लोगों नूं यही लगता है कि इंडिया पूरी दुनिया का ढिड भरन दे विच काफी ज्यादा योगदान पाउंदा है खेतीबाड़ी राहीं, पर एक देश अजिहा भी है जिहड़ा इंडिया तो काफी ज्यादा छोटा है पर दुनिया के करोड़ों लोगों का ढिड भरदा है। जेकर छोटा जिहा देश ना होवे तां पूरी दुनिया दे विच भुखमरी आ जाएगी। यह देश इंडिया दे नालों 50 गुणा छोटा है पर इंडिया दे नालों 3 गुणा ज्यादा अनाज पैदा करता है। आपां जिहड़े देश की गल कर रहे हैं वह है जी यूरप दे विच वसिया होया एक बहुत ही सोहना देश नीदरलैंड, जिहड़ा कि होर देशों के नालों तो काफी ज्यादा छोटा है पर दुनिया के सब तो वध अनाज पैदा करन दे विच इसका दूजा नंबर है। अज दी स्टूडियो राही मैं तुहानूं दसूंगा कि किवें इह छोटा जिहा देश पूरी दुनिया का ढिड भर रहा है। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो जो टीवी। तो पहला मैं तुहानूं नीदरलैंड दे बारे जानकारी दे दिंदा हां। नीदरलैंड दा कुल खेत्रफल है 41,543 स्क्वेयर किलोमीटर। इत्थों दी आबादी 1,74,00,000 है ते इत्थे 1 किलोमीटर दे विच 13 इंसान रहिंदे हन। तुहानूं जाण के हैरानी होवेगी कि नीदरलैंड तो अमरीका 270 गुणा वड्डा है ते रूस नीदरलैंड तो 412 गुणा वड्डा है ते इंडिया नीदरलैंड तो 50 गुणा ज्यादा वड्डा है ते नीदरलैंड पिछले कई सालां तो दुनिया दे अमीर देशां दी लिस्ट दे विच आउंदा है। इसका बहुत वड्डा कारण है इत्थे कीती जाण वाली खेती। इन्ना छोटा देश होण दे बावजूद भी यह दुनिया के कई देशों को अनाज मुहैया करवाता है। तुहानू यह जान के हैरानी होगी कि साल 2022 के आखिर तक दुनिया की आबादी 800 करोड़ के नेड़े तेड़े पहुंच गई थी। आने वाले समय के भी दुनिया की आबादी इस तो तेजी के नाल वधेगी। अजिहे जिहड़ी चीज की सब तो ज्यादा मंग होगी वह चीज होगी अनाज यानी कि फूड। जिवें जिवें आबादी वधेगी अनाज की मंग वधेगी। अजिहे जेकर नीदरलैंड ना हो पूरी दुनिया के उत्ते भुखमरी छा जाएगी। साल 1980 तो लैके 2022 तक पूरी दुनिया के जिहड़ी अनाज की खपत है वह 2 गुणा वध गई है। वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो पूरी दुनिया के आलूआं का काल पै गया सी उस टाइम भी नीदरलैंड के आलूआं की कोई कमी नहीं आई सी, पर दूजी वर्ल्ड वार के नीदरलैंड के अंदर भुखमरी वर्गे हालात पैदा हो गए सन ते इत्थे कई लोग भुखमरी के कारण मर गए सन। उस समय ही नीदरलैंड की सरकार ने फैसला ले लिया सी कि अज तो बाद वह कदे भी अपने देश के अजिहे हालात पैदा नहीं होने देंगे। इसलिए उस समय तो ही इत्थों की सरकार ने खेती की टेक्नोलॉजी वधिया ते एडवांस बनाना शुरू कर दिता। वह दिनों तो लैके अज तक कदे भी नीदरलैंड के भुखमरी वर्गे हालात पैदा नहीं हुए ते इत्थे अज तक कोई भी इंसान भुखा नहीं सुत्ता। उस समय तो बाद इत्थों दे किसान ते इत्थों दी सरकार खेती नूं होर वधिया तरीके दे नाल करन दे लई नवें नवें तजर्बे करदे रहिंदे ने। तुसीं इत्थों दी खेती दे विच आई टेक्नोलॉजी दा इत्थों अंदाजा लगा सकदे हो कि 1980 दे विच इत्थे 180 टन आलू उगाए जांदे सन, पर उत्थे ही अज इह देश जाने के 2023 दे विच 560,000 टन आलू उगा रहा है। इसका कारण यह है कि कुछ कु सालां दे विच ही नीदरलैंड ने अपनी फूड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अपग्रेड कर ली है। इस दे कारण ही नीदरलैंड हुण पूरी दुनिया दे विच दूजे नंबर ते आउंदा है सब तो वध अनाज पैदा करन दे विच। पहले नंबर ते आउंदा है अमेरिका, वह सब तो वध पूरी दुनिया दे विच अनाज पैदा करता है। पर नीदरलैंड सब्जियां ते फुल्लां दा सब तो वड्डा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया दे विच। पूरी दुनिया दे विच सब तो ज्यादा आलू अते प्याज नीदरलैंड दे विचों ही निर्यात किए जाते हैं होर देशों के लिए। दुनिया दी तकरीबन 1/3 सब्जियां दे बीज नीदरलैंड दे विच ही उगाए जाते हैं। हुण तुहानूं लगता होगा कि शायद नीदरलैंड की मिट्टी इन्नी ज्यादा उपजाऊ है ता ही एक छोटा जिहा देश इन्नी ज्यादा खेतीबाड़ी करके इन्ना ज्यादा अनाज पैदा कर लैंदा है। जिवें कि इंडिया की जमीन 95% उपजाऊ है, ओवें ही नीदरलैंड की जमीन सिर्फ 5% उपजाऊ है, पर फिर भी वह इंडिया के नालों 3 गुणा वध अनाज पैदा करता है। नाले वह इंडिया तो 50 गुणा कितने छोटा है। इंडिया तकरीबन हर साल $45 बिलियन का अनाज बाहरले होर देशों को बेचता है, उत्थे ही नीदरलैंड हर साल $105 बिलियन का अनाज होर देशों को बेचता है। नीदरलैंड के खेती इन्नी ज्यादा एडवांस होने के पिछे इतने एग्रीकल एजुकेशन का बहुत वड्डा हाथ है। बेंगुएन यूनीवर्सिटी और रिसर्च सेंटर का इतों की खेतीबाड़ी को इन्ना ज्यादा एडवांस करने के बहुत वड्डा योगदान है। यह दुनिया की सब तो वड्डी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी है। हुण तुहानूं दसदे हां कि नीदरलैंड वो किहड़ी तकनीक वरतदा है जिस दे नाल वह इन्ना ज्यादा अनाज पैदा करता है। नीदरलैंड दे विच खेती छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच कीती जांदी है। नीदरलैंड दी अद्धे तो ज्यादा जमीन दे उपर खेती कीती जांदी है, पर इत्थों दी जमीन इन्नी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। नीदरलैंड दे कोल जमीन भी घट है ते इत्थों दी मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है, पर इन्हां कोल खेतीबाड़ी करन दे एडवांस तरीके बहुत ज्यादा हन। इत्थे इंडिया दी तरह खेती नहीं कीती जांदी, इत्थों दी खेती एक तरह दे नाल काफी ज्यादा आपां कहीए एडवांस है। नीदरलैंड दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इत्थों दी सारी खेतीबाड़ी वाली जमीन दे उपर बहुत बरीकी दे नाल नजर रखदी है। इत्थों दे किसानां नूं हर रोज अपने खेत दी ड्रोन दे राहीं वीडियोग्राफी करनी पैंदी है ते फिर इन्हां नूं सारे दा सारा इह डाटा यूनिवर्सिटी जाने कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं भेजना पैंदा है ते इन्हां दी जमीन नूं चंगी तरह एनालाइज करन तों बाद खेतीबाड़ी दे माहर इन्हां नूं दसदे ने कि तुहाडी फसल नूं हुण किहड़ी चीज़ दी लोड़ है जां तुसीं पानी कदों लगाउणा है ते तुहाडी मिट्टी दे हिसाब दे नाल तुहानूं किहड़ी फसल बीजनी चाहीदी है ते किन्नी बीजनी चाहीदी है। इत्थों दे किसान खेतीबाड़ी माहरां दी सारी गल नूं मानदे ने।
इस करके हमेशा मुनाफे जाते हैं। इतों के ट्रैक्टर से मशीन काफ़ी ज़्यादा एडवांस ने, खेती की बिजाई तो लैके कटाई तक सारा काम मशीन के राही करते हैं। इतने खेती दशीन कोई भी नहीं चला, बल्कि किसान अपने खेत तो बहर खड़ के अपने खेत के काम कर रही मशीन देखता रहा है। इन्होंने मशीन के रूट पहला तो ही फिक्स होंगे है कि उन्होंने कितों की लंघना है, कितों की बाही करनी है, कितों की कटाई करनी है। इतों के खेतों के पानी लाने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं होंगी। इन्हों के खेतों के सेंसर लगे हुए हैं, जो सेंसरों को लगता है कि इतों की मिट्टी खुश्क हो गई है तो अपने आप पानी ला देंगे। इतने फसलों और सब्जियों LED लाइटा राही भी उगाया जाता है, तो यह सारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। LED बल्बों राही टेंपरेचर कंट्रोल करके सूरज वर्गी हीट दिती जाती है फसलों। इन्हों LED की खेती के नाल ही नीदरलैंड हर साल 90,000 यूरो बचाता है। नीदरलैंड के बहुत ज़्यादा खेती इनडोर भी की जाती है। नवे नवे एक्सपैरीमेंट करके नीदरलैंड की रिसर्च टीम ने इतों की खेती बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया है। इस तो बिना नीदरलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वधिया है, फूड को एक्सपोर्ट करने के लिए दूजे देशों के विच। इत्थे थोड़े थोड़े फर्क ते ही बंदरगाह ते एयरपोर्ट मौजूद ने, जिस दे राही ताज़ा फल ते सब्जियां ते अनाज नूं दूजे देशों के विच भेजा जाता है। तो बिना नीदरलैंड डेयरी प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बनाउंदा है, क्योंकि इत्थे मझां गावां दे काफ़ी ज़्यादा फार्म ने। चाइना दे विच नीदरलैंड दे डेयरी प्रोडक्ट की सब तो वध मंग है। इंडिया भी नीदरलैंड की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नूं अपनाउण बारे गल कर रहा है, ताकि नीदरलैंड की एडवांस खेती वाली तकनीक इंडिया दे विच भी लियांदी जा सके। इस जी नीदरलैंड की खेती बारे कुछ जानकारी तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दस्सणा। YouTube चैनल जो टीवी सबसक्राइब करना। धन्यवाद।